भाजपा के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश में किया धुआंधार प्रचार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 अक्टूबर तक चलने वाली हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की नारायणगढ़ से की शुरुआत। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कुमारी शैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच किया साझा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी की यात्रा को बताया राजनीतिक पर्यटन, कहा प्रदेश की जनता द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब देकर जाएं राहुल। और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और बसपा प्रमुख मायावती ने असंध में चुनावी रैली को किया संबोधित। भाजपा पर आरक्षण में वर्गीकरण का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचलों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चरखी दादरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में फर्क साफ है। अगर हरियाणा की जनता को ये फर्क देखना है तो हिमाचल प्रदेश जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और ये हमसे हिसाब मांगते हैं। कांग्रेस ने संविधान बदलने के नाम पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा का जीडीपी बढ़ाकर 3 गुना किया, खेल खिलाड़ियों का मान बढ़ाया और किसानों को उनकी उपज का रिकॉर्ड मूल्य दिया। संविधान का 42वां संशोधन यदि किसी ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था और संविधान की आत्मा को इन्होंने कुचल दिया और देशवासियों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को? बारे में एक तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, इसका भी आप पता लगा लीजिएगा। यहां का हरियाणा का सकल घरेलू उत्पादन वह 2013-14 में 3,99,268 करोड़ रुपए हुआ करती। अब देखिए हमारी भाजपा की सरकार ने, चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हों चाहे नायब सिंह सैनी रहे हों, इसको बढ़ाकर 2023 पे ही बहनों भाई लगभग 3 गुना कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं यह सच न हो तो कांग्रेस ये कंडम करे। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाल ही में जम्मू में दिए एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और जब तक वो जीवित रहें नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहें। मैं उनका सम्मान करता हूं। कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नारायणगढ़ से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर किसानों की बजाय उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये न्याय की लड़ाई है और प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। राहुल गांधी ने सत्ता में आने का भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी जिसमें सभी की हिस्सेदारी होगी। कांग्रेस युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियों के साथ किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में असली लड़ाई भाजपा व कांग्रेस के बीच ही है। हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को
न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगे। और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से इस चुनाव में ना बढ़ते हुए सावधानी से अपने मत का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पिछली 10 साल से त्रस्त जनता के पास अब ये एक मौका आया है। भाजपा के शासन में महंगाई और बेरोजगारी ने बड़े परेशान है। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी यात्रा को राजनीतिक पर्यटन बताया। राहुल गांधी प्रदेश में घूमने आए हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन वे उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दें जिससे कांग्रेस आनाकानी कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से प्रश्न पूछा कि वे खर्ची पर्ची और वायदा खिलाफी पर जवाब दें। का किसान भी राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है, राहुल बाबा इसका उत्तर देने का काम कर कि यहाँ के जो आपके मुखिया थे, जो आपने यहाँ बैठा रखे थे, यहाँ के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में ले जाता था। आज राहुल बाबा हरियाणा का पर्यटन यहाँ पर घूमने के लिए आया है। भाइयों, वो अपने साथ अपनी दीदी को भी लेकर के आया है। मैं तो इसको कह रहा था सुरजेवाला को, मगर सुरजेवाला राहुल बाबा और उनकी दीदी कट्ठे आ रहे हैं। माखा उनके जीजे नु भी बुला लेंदे, मारे किसान देख लेंदे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने इसी तरह देश भर में यात्रा की थी, लेकिन बाद में उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। यही हाल अब हरियाणा में भी होगा। उन्होंने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सांसद कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर देते। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने संविधान खत्म करने के कांग्रेस के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन काल में ही संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। है इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो? मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को 12,500 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 1,100 करोड़ रुपए मुआवजा मिला था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवानी खेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अराजकता वे बेईमानी का राज रहा तथा भारत का पैसा स्विस बैंकों में पहुंचा। कांग्रेस के लिए देश प्राथमिकता पर कभी नहीं रहा। देश पर जब भी संकट आता है तब कांग्रेस में राहुल गांधी नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में अपने संकल्प पत्र को एक कलम से लागू किया जाएगा। हरियाणा की जनता 5 कमल के निशान का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाए ताकि राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। देश के अंदर हिंदू मानविंदों के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे। एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं और दूसरे तरफ 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस, जब भी इन्हें अवसर मिला इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विस बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। हिसार जिला प्रशासन द्वारा आज स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान निकाली गई एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। आप एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे विकास के लिए, एक अच्छे समाज के लिए वोट जरूर करें, क्योंकि जो वोट डालता है उसकी एक सोच बनती है फिर कि मुझे समाज ऐसा देखना है, ऐसे करना है काम, आगे ऐसा सरकार हो। जो वोट नहीं डालते हैं तो फिर उनको ये कहने का भी हक कट जाता है कि भाई क्या फायदा है ऐसा, क्योंकि कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपका जो अधिकार है अधिकारों के तहत ही काम करना चाहिए, वोटिंग राइट। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँ, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो। वही कार्यक्रम में शामिल बच्चों व आम लोगों ने कहा कि राहगिरी के माध्यम से लोग मतदान के लिए अवश्य प्रेरित होंगे। मतदान दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। एक मिक्स ऑफ एक्टिविटीज रखे हैं। आज जो राहगिरी हुआ था ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए सिटी के सेंटर में रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हम काफी माइक्रो इवेंट्स करते हैं, स्पेशली टारगेटिंग जहां विमेन वोट ज्यादा नहीं है, वोटर टर्नआउट विमेन का कम है, मेन से वहां महिला पंचायत कराते हैं। वोट करना आजकल आवश्यक है। आपका एक वोट देश की दिशा में दशा तय करता है, क्योंकि आपका एक वोट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समाज का एक ऐसा दायित्व चुनते हैं जो हमारे को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके। तो अपना एक वोट जारी ना जाए, कीमती जाने दे। बल्कि विधानसभा चुनाव के बीच में प्रदेश की राजनीति में अनेक राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल जहां प्रितला विधानसभा से जजपा और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी गिरिराज जटोला ने कांग्रेस को समर्थन दिया, वहीं आज दोनों पार्टियों ने प्रितला से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक डागर को समर्थन देने का ऐलान किया। जींद में एक प्रेस वार्ता के दौरान जजपा नेता दुष्यंत चौटाला व चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की भांति जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपनी हार से घबराकर हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। प्रदेश की जनता इसका जवाब वोट की चोट से देगी। जनता मजबूती के साथ जजपा व आसपा गठबंधन के साथ खड़ी है। जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के प्रति बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी। कार्यकर्ताओं से दोनों संगठनों के यही आग्रह करता हूँ, जी जान लगाकर काम कर तो मजबूती के साथ कार्यरत रहे। जनता से खुद से ही आवाज आ रही है कि अलायंस जो है आज भी और भविष्य में भी एक बड़ी ताकत जो है हरियाणा चुनाव में बनेगा। इसकी बढ़ती ताकत को देख के जिस तरह से कल एक बहुत बड़ा छल पथला में कांग्रेस के नेताओं ने करने का काम किया, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस घबरा गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग
घबराए हुए हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी जेजेपी आजाद समाज पार्टी के अलायंस से घबरा गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोहारू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के लिए सोहासड़ा गांव के एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी, इसी तरह हरियाणा में भी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में हमेशा भ्रष्टाचार था, कांग्रेस के पास बोलने और बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके नेता झूठ का सहारा लेकर के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, हरियाणा में भी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के साथ साथ लोहारू की तस्वीर को बदला है। आज पूरे प्रदेश के मतदाताओं में भाजपा के पक्ष में उत्साह व जोश है। एयरपोर्ट पर सड़क निकालनी है, सवा घंटे के अंदर हमारा एयरपोर्ट हो सकता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट निकालने के बाद प्रपोजल चल रही है, उसके बाद क्या होगा, गुड़गांव के, दिल्ली के, फरीदाबाद के उद्योगपति वो कहते हैं भी हम तो वहाँ उद्योग लगाएंगे जहाँ सुबह निकले और सुबह शाम को आके अपने बच्चों के पास रहे। एलो नेता अभय सिंह चौटाला व बीएसपी की प्रमुख मायावती ने असंध विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मायावती ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण की तैयारी की जा रही है, ये लोग चुपके से सामान्य वर्ग को आरक्षण दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा और कांग्रेस ने खुलकर कुछ नहीं बोला, अधिकांश पार्टियां इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हरियाणा में हर विभाग में पद खाली पड़े हैं। आपकी प्रदेश की जन हिस्से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी आप दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में भी अपने इस बने गठबंधन की ही सर्व जन हिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार बनानी होगी। आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है। वही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो बसपा के गठबंधन की सरकार बनते ही लोगों के घर फ्री सिलेंडर पहुंचाएंगे, पूरे हरियाणा में बिजली फ्री दी जाएगी, हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने के बाद उसको पूरा करने का काम करूंगा। अगर आपको विश्वास है तो एक बार बोल करके कहो कि हमें आप पे विश्वास है, तो आज आपसे वायदा करके जाते हैं कि सरकार बनने के बाद जो 100 रुपया पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी उस पेंशन को बढ़ाएंगे, 7500 रुपया महीना करके हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2,00,000 नौकरियों के पद हरियाणा प्रदेश में खाली है। सरकार बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे हमारी बेटी पढ़ी लिखी हो चाहे बेटा पढ़ा लिखा हो, उसे सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में अपने प्रचार अभियान के तहत आज करनाल से असंध पहुंचे। असंध में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी की गारंटियों के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और फ्री इलाज उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को निःशुल्क बिजली और अच्छे स्कूल देंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आपके समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। दिल्ली में 12,00,000 बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, पंजाब में 46,000 सरकारी नौकरियां दी हैं बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3,00,000 प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है। और पांचवी गारंटी, मेरी जितनी माँ बहनें बैठी हैं हर एक के अकाउंट में 1,000,000 रुपए महीना हर महीने आपके अकाउंट में डलवाया करें। एक चीज नोट कर लेना, हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी, जो भी सरकार बनेगी वो हमारे समर्थन से ही बनेगी। इतनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफीदो विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गौतम के समर्थन में वोट की अपील करते हुए एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान पूरे हरियाणा में ईमानदारी से बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस तो कभी की समाप्त हो गई, अब तो प्रदेश में एक परिवार की जायदाद बनकर रह गई है। कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आने पर धारा 370 फिर से लागू करेंगे, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है, अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी। हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प जो देश की आजादी के बाद था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। भाइयों बहनों, आप ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने डबवाली से कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहा के समर्थन में रिसालिया खेड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश का बुरा हाल कर दिया है। भाजपा और जेजेपी में भ्रष्टाचार का समझौता हुआ था जो हरियाणा विकास और खुशहाली का प्रतीक था, आज वो हरियाणा महंगाई, नशे व भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है। भाजपा ने प्रदेश के सभी वर्गों को ऑनलाइन पोर्टलों में उलझा दिया है। इस सरकार ने अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों पर लाठियां बरसाई। नंबर 1 पे लाने का हम काम करेंगे। हम गुजरात वो डबल इंजन था, लूट का डबल इंजन, भ्रष्टाचार का समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी में और लूट का डबल इंजन। 5 साल लूट के खा गए हरियाणा प्रदेश को, जनता में त्राही त्राही और लूटने में कोई कसर नहीं बाकी। ऐसी स्थिति बनी, आपने देखा जिस दिन मैंने सिरसा में रैली हुई थी दिसंबर में, उस रैली में मैंने कह दिया था कि नहीं कह दिया था कि समझौता करके समझौता तोड़ेंगे, क्या था कि नहीं क्या था, समझौता टूटा। और जिस दिन समझौता टूटा उसके अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि 5 साल के बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पंचकुला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को तुष्टीकरण से बदलकर विकास की राजनीति बना दिया है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ कार्य करती है। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने 3 तलाक व धारा 370 को समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण करवाया। हरियाणा सरकार 24 फसलों पर MSP देने की घोषणा कर रही है जबकि कांग्रेस घड़ियाले आंसी बहाकर किसानों को बरगला रही है। 2019 के 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति ने लंबे संघर्ष के बाद और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। रामलला बनाएंगे, मंदिर नहीं बताएं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, हमारा नहीं होगा, लेकिन हम कमिटेड और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा भव्य राम मंदिर का प्रतिष्ठापना प्रस्तावित होगी। फतेहाबाद में आज प्रशासन द्वारा चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को EVM की ट्रेनिंग देने हेतु एक विशेष शिविर लगाया गया। मास्टर ट्रेनर राजीव कुमार ने बताया कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी है आज उन्हें EVM मशीन से संबंधित जानकारी दी गई है ताकि मतदान के समय कोई परेशानी न आए। मास्टर ट्रेनिंग में 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो जो EVM मशीन है उसकी वर्किंग किस प्रकार से होगी, उसमें क्या क्या त्रुटियां आने की संभावना है,
उन त्रुटियों के बारे में सभी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, एपीओ और पोलिंग पार्टीज को बताया जाता है कि इस तरह की समस्या आ जाए तो आपने क्या करना है। अगर कोई ऐसी विशेष समस्या आ जाती है तो वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन करता है और सेक्टर ऑफिसर उनकी समस्या का समाधान करता है। एक ट्रेनिंग तो होगी ईवीएम से संबंधित जिसमें लोग वोट करते हैं। दूसरी तरह की जो इसमें ट्रेनिंग होता है, दूसरा पार्ट जो इसका ट्रेनिंग का है, वो एनवेलप का है, जो लिफाफे प्रेजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है। ये 6 तरह के लिफाफे होते हैं जो वो तैयार करता है, जिसमें 6 मुख्य लिफाफे होते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 और 6/1। वही प्रशिक्षण लेने आए कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें ईवीएम के कनेक्शन प्रोसेस और मॉक पोल की जानकारी दी गई है। महिलाओं के द्वारा होगी और पिंक बूथ को खूब अच्छे से सजाया जाएगा, गुब्बारों से, पोस्टर से, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है किसी का मतलब कार्य करने में। एक से लास्ट होगी 4 तारीख को, ईवीएम को हमने कैसे कनेक्ट करना है, कैसे पोलिंग करानी है, कैसे कागज जो उसके हैं सारे लिफाफे हैं उनको भरना है, उसमें ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई है, बूथ बैठक कैसे जोड़ना है। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज करनाल प्रशासन ने एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया जिसमें खिलाड़ी, विद्यार्थी और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नितेश कुमार ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नितेश ने विश्वास जताया कि स्वीप कार्यक्रम के उल्लेखनीय परिणाम सामने आएंगे और विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं ट्रेनी आईएएस अधिकारी योगेश सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि सभी मिलकर चुनाव के इस पर्व में शामिल हों तथा 5 अक्टूबर को अपना वोट अवश्य डालें। में और अगर कोई एथलीट अगर अपने आप को स्पोर्ट्स में प्रोफेशन देखता है तो उसके लिए पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, ताकि वो कभी अपने वापस स्पोर्ट्स के बाद में कभी अपने कंट्री के लिए कुछ और करना चाहे किसी और प्रोफेशन में, तो इट विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर हिम। फर्स्ट इंजरी हुई थी, उसके बाद में अगर मैं उठ के आ गया हूँ तो फिर ये तो छोटी मोटी इंजरीज हैं, तो और उसके बाद में हमेशा अपने आप को बाकी साथियों को देखा तो वो हमेशा मोटिवेटिंग था मेरे लिए कि मैं फिर से और प्रशासन ने काफ़ी सारी पहल करी है, जैसे पोस्टर्स लगाना, ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, साथ में राहगिरी हमने करवाई थी 7 तारीख को, आज हमने नीतीश जी को बुलाया है, तो कार्यक्रम चल ही रहा है हमारी तरफ से कि अधिक से अधिक मतदान कम रहा था तो इस बार ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो हम करा रहे हैं कि जहाँ पर मतदान कम था वहाँ पर हम कोशिश करवा रहे हैं कि नाटक के जरिए, महिला चौपाल के जरिए वोट बढ़े, शहरों में कार्यक्रम स्कूल्स के अंदर कॉलेज में करवाएं ताकि वोट बढ़े। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने जगाधरी से कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान और साडोरा से कांग्रेस प्रत्याशी रेनू बाला के समर्थन में आयोजित सभा में कहा कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। लोग एक आशा की किरण के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में भ्रष्टाचार, अपराध और अवैध खनन का बोलबाला है, प्रदेश के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस ही लोगों के पास एकमात्र विकल्प है। बहुत अच्छा माहौल है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आज हम जहाँ खड़े हैं, पहले मैं मुस्तफाबाद गई थी और सढौरा आपने देखा पहले भी जीते। जगाधरी से कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों को समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कल सोनीपत में भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली में जनता ने माँ बेटे का सूपड़ा साफ कर दिया, इसी तरह हरियाणा में बाबू बेटे का भी सफाया होने जा रहा है। असम मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी के सत्ता में आने का दावा भी किया। रहा है भारत में नहीं, इटली में आ रहा है। हमारा साथ हरियाणा का जुबा है, माँ है, बेटा है, बेटी है और यही लोग भविष्य है। राहुल गांधी ने क्या क्या किया आप बताइए। पंजाब से समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।